अब होगा सारनाथ का बेहतर विकास। ये देख सकते हैं सामने, ये पत्थर, ये बालू लगे हुए, ये सब मजदूर, बिल्कुल सारनाथ जगमगाता हुआ सारनाथ, चमचमाता हुआ सारनाथ आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ने वाला है। ये पत्थर से बना हुआ रोड आपको आने वाले समय मिल जाएगा। अभी देख सकते हैं ये इस टाइप का रोड है, लेकिन बनने वाला जो है वो इस टाइप का रोड बनेगा, काफ़ी मजबूत टिकाऊ और खूबसूरत रोड बनने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दिखाने वाले हैं सारनाथ में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। सारनाथ बौद्ध सर्किट में विश्व बैंक सहायता प्राप्त गरीब समर्थक यानी प्रो पुअर पर्यटन विकास परियोजना में जो कार्य चल रहे हैं वो सामने दिखाई पड़ रहा है। वो 31 मार्च 2024 तक संपन्न होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि कार्य पूर्ण होने की अवधि इसी वर्ष था, लेकिन इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इस परियोजना के तहत सारनाथ में बने मंदिर वो पुरातात्विक महत्व के स्थलों को 110 करोड़ से सजाया एवं संवारा जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग ने विकास का खाका बिल्कुल तैयार कर रखा हुआ है। सारनाथ में 30 मंदिरों को बिल्कुल आकर्षक रूप में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पर बिजली पोल, साइन बोर्ड से लेकर बिजली व्यवस्था से बिल्कुल चमका दिया जाएगा। पूरा सारनाथ हेरिटेज व दूधिया लाइट से चमकने लगेगा। DDA का पहल संस्कृति विभाग का के द्वारा पूरा प्लान बनाकर तैयार कर लिया गया है। आपको सामने देख सकते हैं सारनाथ का प्रसिद्ध टेम्पल, जिसको बोलते हैं बौद्धिस्ट टेम्पल, बिल्कुल खूबसूरत पत्थरों से बनाया गया। जन्म हुआ, कैसे उनको ज्ञान मिला, कैसे उनकी मृत्यु हुई, और उस जमाने के कलश लगाया गया, उनको फाइट में बनाया, रिस्टोर किया गया, जैसा वैसा ही हुआ। 90-100 साल हो गए। दोस्तों इस टेम्पल पर लाखों बौद्धिस्ट प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए, मंदिर को देखने के लिए, अपने धर्म का प्रचार इत्यादि करने के लिए। काफ़ी खूबसूरत हरियाली भी आपको सामने दिख रही है। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। चलिए आपको दिखाते हैं कितनी खूबसूरत पत्थर के नकाशियों से बनाया गया ये बौद्धिस्ट मंदिर। आसपास भी ये रास्ते में देख सकते हैं हरा भरा पेड़ पौधे इत्यादि लगा करके सजाया गया है। महात्मा बुद्ध जी के बैनर स्टैंडी ये लगा करके उनके उपदेशों को दिखाया जा रहा है, उनके विचारों को दिखाया जा रहा है। मंदिर के बिल्कुल नज़दीक आ गए। डेवलपमेंट के हिस्से में ये भी एक चार चांद लगाने वाला मंदिर है। ये नक्काशियाँ देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। अभी आपको हम चारों तरफ चल के दिखाने वाले हैं इस मंदिर के बारे में। Thank you.
मूल कंद कुटी बिहार का दृश्य देखा आपने। ये जो पत्थर आसपास बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब लग करके जब तैयार हो जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत एरिया हमारे पर्यटकों के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये प्रो पुअर जो परियोजना है ये पर्यटकों के साथ साथ में आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, आसपास के जो निवासी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, इन सब के जो आमदनी में बढ़ावा होने का कार्य करेगा, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने में मदद करेगा, क्योंकि खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए कोई है, उस चीज़ को बनाए रखने के लिए प्रो पुअर परियोजना हर किसी के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। ये देख सकते हैं ये नालियाँ हैं, ये ढक दी जाएगी, जो वायर हैं सब बिल्कुल ढक दिए जाएंगे, अब तो चार चांद जैसे लाइटिंग व्यवस्था मिलने वाली है यहाँ पर। इस परियोजना के आने से पर्यटकों के साथ साथ में आसपास के लोगों को भी यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है। बिल्कुल सारनाथ चारों तरफ से दूधिया लाइट से बिल्कुल तैयार होने वाला है। ये पत्थर देख सकते हैं, ये अरारा के पत्थर लगाए जा रहे हैं, और कारीगर जो इसमें करने वाले हैं, काम करने वाले, ये सब राजस्थान के कारीगर के द्वारा अच्छी कारीगरी से तैयार किया जाने वाला ये एरिया बनाया जा रहा है। दोस्तों ये डेवलपमेंट कार्य देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि तैयार होगा तो ये किस प्रकार दिखने वाला है। तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि तैयार होने के बाद सारनाथ एरिया का स्वरूप कैसा होगा। यदि आप सारनाथ एरिया में कभी आए हैं तो कमेंट में आप एस जरूर लिखिएगा, यदि आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तैयारियों का जो ये योजना बनाई जा रही है, ये की जा रही है, काफ़ी उम्दा है, बहुत जल्द ही इस परियोजना में कार्य पूरा होने वाले हैं, तो आपको ये बिल्कुल बदला हुआ नज़ारा सारनाथ एरिया का दिखाई पड़ने वाला है। ये वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध एरिया सारनाथ माना जाता है।